भोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है। एंड www.bholashola.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर। अरे ए, और ये थोड़ा मूडी है जी। हाँ जी हाँ जी हमारे मैं पीछे देख रहा हूँ, दो ट्रॉफी तो ऑलरेडी हमारी झोली में है जी सर, और ये इधर भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है जी सर। जी बताइए क्या क्या जीता और किस किस ने जीता। सर हमारे डॉग्स अभी एक हमने 3-6 मंथ में शो किया था। अच्छा जी, वो अभी VP2 लगा है। ठीक है, और हमारी फीमेल है 8 मंथ की, वो लगी है VP1। ठीक है जी। जी सर, सर थोड़ा बताइए कि ना मैं हर जगह सेम क्वेश्चन पूछता हूँ जी सर, कि मेरे को जितना मालूम है या जितना मेरा तजुर्बा है कि जो स्मूथ कोट जर्मन शेफर्ड होते हैं या मीडियम कोट कह लो जी सर, वो रखना आसान है, टेक केयर में आसान है, उसकी लाइफ भी लंबी होती है। मतलब हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, मेरे को बोल देना जी। उसकी लाइफ भी लंबी ज्यादा होती है लॉन्ग कोट से, और फिर भी लोग लॉन्ग कोट के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं। बेसिकली क्या है, लॉन्ग कोट क्रेज में, मतलब ट्रेंड में जिसको बोलते हैं आजकल, ठीक है, लोगों को पसंद आता है उसका लॉन्ग हेयर जो है उसका। बेसिकली ये भी शॉर्ट हेयर में से ही, मतलब जैसे एवोल्यूशन होता है ब्रीड का, बिल्कुल वो एवोल्यूट हुआ ये एक ब्रीड है, शॉर्ट कोट में से ही लॉन्ग कोट निकला हुआ है। ठीक है, लेकिन आप देखो, मैं एक साइड है आपका बिजनेस जी सर, लेकिन एज ए जेन्युइन जो एक नॉर्मल जो न्यू कमर्स हैं, जर्मन शेफर्ड एक ऐसी ब्रीड है इसका कोई एंड नहीं है और इसमें इतनी गहराई है कि आप इसको पढ़ते बनाते समझते थक जाओगे, लेकिन बहुत सारे जो नए यूथ हैं वो सीधे लॉन्ग कोट के पीछे भागते हैं जी, कितना वो सही है। सर देखो, एक तो जो मैंने पहले बताया ना आपको चीज, जो कोई भी चीज ट्रेंडिंग में होती है, यूथ है, लोग है उसको पसंद करते हैं, ठीक है, आजकल में जो है लॉन्ग कोट ही ट्रेंडिंग में है तो लोग उसी को पसंद कर रहे हैं। बेसिकली कोई ऐसा चीज में, शॉर्ट कोट और लॉन्ग कोट में देखो रखरखाव भी सेम है, इनका डाइट भी सेम रहता है। रखरखाव में क्या, अगर कहें तो इसको जो लॉन्ग कोट है उसकी केयर ज्यादा करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू शॉर्ट कोट। शॉर्ट कोट है ना जी सर, बाल भी लंबे संभालना जी, बिल्कुल, लाइफ स्पैन भी कहते हैं उसका कम होता है, लाइफ स्पैन सेम होता है। देखो वो भी डॉग है, ये भी डॉग है, डिपेंड करता है हमारी, हम उसको क्या खाने में दे रहे हैं, कितनी टेक केयर उसकी कर रहे हैं, जितनी ज्यादा हम उस पर मेहनत करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, कोई भी है बंदा, चाहे आप किसी को भी लगा लो, ह्यूमंस को लगा लो, अगर हम उसकी टेक केयर करते हैं अपनी बॉडी की तो ज्यादा हमारा लॉन्ग टाइम रहता है, सेम विद द डॉग। मेरा कहीं से पॉइंट था, मैंने कहीं पढ़ा था जी कि लॉन्ग कोट को गर्मियों में अगर आप टेक केयर नहीं कर पाते या चूक हो जाती है कहीं, तो उनको कोई अटैक्स वगैरह ऐसी बहुत सारी चांसेस होते हैं कि वो 8-10 साल के बाद भगवान के घर हमें छोड़ जाते हैं। नहीं सर देखो, लॉन्ग कोट में क्या है कि गर्मी में कोई भी डॉग उसको गर्मी लगेगी, सिर्फ लॉन्ग कोट में क्या है, वो अपनी जो उसके हेयर्स है ना, लॉन्ग हेयर्स है, वो शेडिंग कर देते हैं, वो एज मतलब आपको शॉर्ट कोट के जैसे ही लगेंगे, गर्मियों में इनके सारे बाल ही अपने आप झाड़ते हैं। ठीक है जी, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है, मतलब ये सिर्फ कहने की बातें हैं, बाकी हाँ केयर ज्यादा करनी पड़ती है लॉन्ग कोट की एज कम्पेयर टू शॉर्ट कोट। और इनका प्राइस में कितना फर्क होता है। सर प्राइस में मैंने वही जैसे आपको पहले बताया, ट्रेंडिंग में जो चीज रहती है उसका प्राइस एज कम्पेयर टू नॉर्मल के में ज्यादा मतलब है, फर्क है सर इसके ऊपर। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास इस समय कौन से पप्स अवेलेबल हैं, कौन से कोट में। जी सर हमारे पास भी लॉन्ग कोट में ही पप्स अवेलेबल रहते हैं, ऑल टाइम रहते हैं, आप कभी भी हमको कॉल कर लो, मतलब कुछ आइडिया सिंह साहब दे सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम। सर हम स्टार्टिंग रेंज 25,000 से, क्योंकि प्राइस हमेशा क्वालिटी के ऊपर निर्भर करेगा। सर वो डिपेंड करता है, 25,000 से स्टार्टिंग रेंज है, वो आप 1,150,000 तक, 2,00,000 तक भी चली जाती है। कोई कांटेक्ट नंबर जी। जी सर आप कांटेक्ट नंबर ले लो, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9876357404, रणविंदर सिंह शेफलैंड कैनल। थैंक यू वेरी मच। अगर कहीं कोई दिक्कत आई हो नॉइस में,